अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हम लोगों की वीडियो है उसमें हम लोग लॉजिस्टिक ब्रांच को कवर करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के परमानेंट कमीशन की लास्ट वीडियो है हम लोगों की, इसके बाद हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन को फॉलो करेंगे। तो फर्दर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो को कलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को टेस्ट पैटर्न का भी जो है वो वीडियो, वो भी एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉजिस्टिक ब्रांच जो है इसके लिए एज लिमिट 16 to 22 ईयर्स है और 1 ईयर रिलैक्सेशन है। नेशनलिटी इनकी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। अगर आप लोग फॉरेन सिटीजन है तो आप लोगों को अपनी नेशनलिटी जो है फॉरेन नेशनलिटी को सरेंडर करनी होगी। दूसरा है मार्शल स्टेटस की बात कर लें तो अनमैरिड होना चाहिए आप लोगों को। हाइट जो है आप लोगों की 163 सेंटीमीटर 5 feet 4 inches। हाइट के बारे में मिसकंसेप्शन है कि रिलैक्सेशन मिल जाती है। हाँ जी, रिलैक्सेशन लाजमी है, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में भी है कि इतनी रिलैक्सेशन है, लेकिन बहुत लड़कों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं किया जाता, वो अनफिट कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली लड़के FSC के बाद अप्लाई करते हैं तो उनकी मेरे ख्याल 18 साल तो एज हो चुकी होती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स वाले जो हैं वो हाइट के ऊपर फिर आप लोगों को जो है वो रिलैक्स नहीं करते। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी हाइट जो है 5 feet 4 inch करके जाएं ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई जो है इशू आप लोगों को ना आए। उसके बाद कैंडिडेट जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो लॉजिस्टिक ब्रांच के साथ से, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था उसमें 65% चाहिए थी और लॉजिस्टिक है इसमें 60% चाहिए। ये मेन डिफरेंस CAE और जो है लॉजिस्टिक ब्रांच के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये है। तो 60% का जो होना चाहिए आप लोगों का एग्रीगेट, और FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट लाजमी हो। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी FSC प्री इंजीनियरिंग में तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। और इसी तरह ए लेवल्स में आप लोगों का कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का होना चाहिए। तो ये रहा हम लोगों की लॉजिस्टिक ब्रांच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी इसका 3 ईयर्स होता है बाकी ब्रांचेस की तरह। तो अब हम लोग इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले कोर्स एडवर्टाइज होगा। बॉयज़ के लिए जो कोर्सेज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के परमानेंट कमीशन के 2 दफ़ा अनाउंस होते हैं। पहले जो होते हैं फरवरी मार्च में होते हैं और दूसरे अगस्त सितंबर में। अब लेकिन लॉजिस्टिक ब्रांच की इंडक्शन सिर्फ एक बार होती है, समटाइम्स होती नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप लोग इन मंथ्स में एड्स चेक करते रहें। अगर आप लोग जो हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें हैं इंटरेस्टेड हैं लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई करने के, तो लाजमी एड्स को इन मंथ्स में फॉलो करें, जॉइन pf.government.pk। तो जैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन नज़र आए आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर चेक करें और मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करें और आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपको टेस्ट डेट मिल जाएगी, और उसके बाद टेस्ट डेट को आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके सेंटर पहुंच जाना है। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद आपको IT रूम में ले जाएंगे, वहां आप लोगों को ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद आप लोगों का इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, वो स्टार्ट होगा। क्योंकि लॉजिस्टिक ब्रांच है इसमें आप लोगों के 4 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन इंटेलिजेंस का होगा जिसके 100 क्वेश्चन 30 मिनट्स होंगे। अगर आप ये पोर्शन क्लियर करते हैं तो आप लोगों का अगला पोर्शन ओपन होगा, जो अगला अगर नहीं क्लियर करते तो आपका टेस्ट फेल है। तो अब अगला पोर्शन जो है वो फिजिक्स का होगा, उसके 50 क्वेश्चन होंगे और आपके पास टाइम होगा 25 मिनट। और अगर आप ये पोर्शन क्लियर करते हैं तो आप लोगों का टेस्ट क्लियर, आगे अगला पोर्शन ओपन होगा। अगर आप नहीं करते तो आप लोगों का यहाँ ही टेस्ट का सफ़र तमाम हुआ। तो अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज क्लियर कर लिया है तो आप लोगों का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो होगा उसका मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपके पास 25 मिनट होगा। मैथमेटिक्स जैसे ही आपका ये पोर्शन क्लियर होगा, अगर आपका पोर्शन नहीं क्लियर होता तो आप फेल हैं, और अगर आपका पोर्शन क्लियर हो जाता है तो आप लोगों का अगला पोर्शन इंग्लिश का ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश में आप लोगों के 75 क्वेश्चन होंगे, टाइम 35 to 40 मिनट्स होगा। तो आपको ये पोर्शन क्लियर करना मस्ट है। अगर आप लोग ये पोर्शन क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों का इनिशियल पास, और अगर फेल करेंगे तो आपका इनिशियल फेल हो गया। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो अभी आप लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आपका इनिशियल रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का इनिशियल मेडिकल होगा,
अब बॉयज़ का जो इनिशियल मेडिकल है उसमें BMI, हाइट, वेट, नॉकनी, कैरिंग एंगल, चेस्ट एक्सपेंशन, फ्लैट फुट, सर्जिकल चेकअप सब कुछ चेक करते हैं। अगर कोई माइनर इशू हो जो भी हो उस पर आप लोगों को रेफ़र भी कर सकते हैं। रेफ़र का कोई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग फिटनेस सर्टिफिकेट लेके ही वापस आते हैं CMH से। सो अगर मेडिकल रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। उसके बाद इनिशियल मेडिकल के बाद आप लोगों का इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल इंटरव्यू एक बेसिक से जनरल सा इंटरव्यू होता है। इसमें आप लोगों से तकरीबन 3-4 से 5 मिनट का होगा मैक्सिमम, समटाइम इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 4 से 5 मिनट का मैक्सिमम लड़कों का होता है। उसमें आप लोगों से बेसिक सी जनरल सी इन्फो ली जाती है और आप लोगों का चेक किया जाता है कि आप लोग रैदर के ऑफिसर बनने के अहल हैं या आगे आप लोगों को भेजा जाए या नहीं। तो जो लड़के इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करते हैं उन लोगों को ISSP फॉर्म मिलता है। शॉर्ट लिस्टिंग इजाज़ होती है क्योंकि जो लड़के इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करेंगे उनको ही ISSP फॉर्म मिलता है। तो इस फॉर्म को आप लोगों को 3 से 4 दिन में सबमिट कराना होता है और फिर उन बॉयज़ को ISSB के लिए कॉल लेटर का वेट करना होता है जो उनको मिलता है ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन या से ज़्यादा। फिर इसके बाद 4 डेज़ की ISSB होती है। रिकमेंडेड जो बॉयज़ होते हैं उनका लाहौर में CMB होता है, फाइनल मेडिकल। ये लंबा सा होता है, समटाइम 10 से 14 दिन ले लेता है। ये सबसे ये स्पेशलिस्ट की अवेबिलिटी होती है उसके ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो मैक्सिमम 7 से 10 दिन तो आप लोगों के लग ही जाते हैं। उसके बाद स्टेप 13 में आपका एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कंपाइल होगी आपकी मेडिकल फिटनेस के बाद, जिसमें अगर आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का मेरिट पे हुए तो आप लोगों को जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव हो जाएंगी, अगर आप लोग लो मेरिट हुए तो आप लोगों को जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं होगी। तो हम लोगों की ये थी वीडियो लॉजिस्टिक ब्रांच पे। इस पे हम लोगों ने इंशाल्लाह तमाम चीज़ें कवर की हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।